हेलो फ्रेंड्स, ज्ञान स्टूडियो में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, यदि अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो नीचे दिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन पर क्लिक करना बिल्कुल ना भूलें। इसके साथ ही आप बेल आइकन को भी दबाइए ताकि जब भी मेरे चैनल पर नया वीडियो आए तो इसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुँचे। तो चलिए फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में मैं आप सभी को बताती हूँ एक और नई जानकारी के बारे में। फ्रेंड्स, स्ट्रोक जिसे कि ब्रेन स्ट्रोक या फिर कभी कभी मस्तिष्क का दौरा भी कहा जाता है, मैं आपको बताऊंगी कि आखिर ये समस्या क्या होती है, आपके दिमाग को किस तरह से प्रभावित कर सकती है। फ्रेंड्स, यह तब होता है जब आपके मस्तिष्क के किसी हिस्से में रक्त की आपूर्ति हो जाती है या रक्त की आपूर्ति होना ब्लॉक हो जाती है, और या फिर जब ऐसी कंडीशन आती है कि आपके मस्तिष्क में एक रक्त वाहिका फट जाती है, इससे मस्तिष्क के ऊतकों में ऑक्सीजन और पोषक तत्वों की कमी हो जाती है और कुछ ही मिनटों के अंदर इस मामले में कोशिकाओं का मरना शुरू हो जाता है। इन दोनों मामलों में मस्तिष्क के कुछ हिस्से जो होते हैं वे क्षतिग्रस्त हो जाते हैं, डैमेज हो जाते हैं या फिर उनकी मृत्यु हो जाती है, मर जाते हैं। स्ट्रोक से स्थायी मस्तिष्क क्षति, दीर्घकालिक विकलांगता या फिर यहां तक कि मृत्यु भी हो सकती है। स्ट्रोक एक चिकित्सीय आपातकालीन स्थिति है जिसमें तत्काल उपचार की आपको आवश्यकता होती है। तत्काल उपचार व प्रारंभिक कार्रवाई मस्तिष्क क्षति या संभावित जटिलताओं को कम कर सकती है। स्ट्रोक का इलाज किया जा सकता है और इसे होने से रोका भी जा सकता है। चिकित्सा उन्नति की वजह से आज स्ट्रोक जो है वह पहले के मुकाबले काफ़ी कम हो गया है और लोगों का जो उपचार है वह काफ़ी जल्दी इसमें संभव हो पाया है। तो फ्रेंड्स, यह कंडीशन होती है कि आपके जो दिमाग के हिस्से होते हैं उनमें रक्त की आपूर्ति हो जाती है या फिर रक्त वाहिका फट जाती है, जिस वजह से यह कंडीशन उत्पन्न होती है। उम्मीद करती हूँ कि यह छोटी सी जानकारी आपको पसंद आई होगी। यदि यह जानकारी आपको पसंद आई है तो आप इस वीडियो को लाइक कीजिए, साथ ही इस वीडियो को शेयर कीजिए ताकि और लोगों तक यह वीडियो पहुंच सके।